खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं धर्मशाला के विधायक किशन कपूर ने कहा कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था के सुधार पर इस वर्ष 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये धनराशि सभी को पीने का प्राप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने, पेयजल वितरण व्यवस्था को सुधार और किसानों बागवानों को बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए व्यय की जाएगी। किशन कपूर ने धर्मशाला में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के उपरांत ये जानकारी दी। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और ये सुनिश्चित बनाएं कि किसी भी स्तर पर पैसों का दुरुपयोग न हो, पाइपों की गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने जल के बेहतर वितरण पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को यह तय बनाने के लिए निर्देश दिए हैं कि विभाग का फील्ड स्टाफ जमीन पर काम करे और अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए। उन्होंने पानी का दुरुपयोग रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल भंडारण टैंकों एवं जल स्रोतों की साफ सफाई और क्लोरिनेशन पर विशेष ध्यान देने को कहा। तो आईपीएच किसकी, जैसे पुलें बननी है, ड्रिंकिंग वाटर है, सीवरेज है, और उसमें कुछ स्कीमों की ऑगमेंटेशन होनी थी और उसके लिए जो बजट एलोकेशन है और कितना काम हुआ है, कितना बाकी रह गया है और इसमें कैसे उसमें तेजी लाई जा सकती है, उसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है। सरकार करोड़ों रुपया आईपीएच डिपार्टमेंट ने खर्च दी है, पर बहुत सारी शिकायतें लोगों की पानी के बारे में बहुत ज्यादा रहती है और उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। फील्ड स्टाफ फील्ड में काम करें, लोगों को पानी की सप्लाई नियमित हो, जो सरकारी कूले बन रही हैं उनमें क्वालिटी वर्क हो, इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा होगी। बैठक के पश्चात मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में किशन कपूर ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ की जा रही अनाप शनाप बयानबाजी को लेकर पूछे प्रश्न के जवाब में कहा कि नेता विपक्ष तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें ऐसी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। कपूर ने कहा कि नेता विपक्ष द्वारा की जा रही भाषा का प्रयोग दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऊना में दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमने बात की थी और मैंने तुमको ये भी सुझाव दिया था नेता विपक्ष को कि उनको ऐसी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए और वो तथ्यहीन बात भी कर लें। उन्होंने कई किस्म की, मैं भी बहुत सालों से राजनीति में हूं और ये जो भाषा है, इस किस्म की भाषा हम भी विपक्ष में रहे हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग किसी ने नहीं किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए, मेरी सलाह उनको ये। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि चुनाव पूर्व भाजपा प्रत्याशियों द्वारा नए जिलों के गठन को लेकर किए जा रहे वायदों के प्रश्न पर कपूर ने कहा कि वह हमेशा से ही कांगड़ा जिला को तोड़ने के हक में नहीं है और वे चाहते हैं कि जिला कांगड़ा एकजुट रहे तथा कांगड़ा का विभाजन न हो। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला की एकजुटता के लिए उन्होंने पहले भी लड़ाई लड़ी है और ऐसी अब कोई योजना नहीं है कि कांगड़ा जिला विभाजित होगा, अलग जिला कायम होगा। देखिए, मैं तो हमेशा कांगड़ा को हम जैसे कांगड़ा है, कांगड़ा एकजुट रहे और कांगड़ा का मतलब विभाजन ना हो, इसके लिए लड़ाई हमने पहले भी लड़ी है
और ऐसी अब कोई योजना नहीं है कि कांगड़ा विभाजित होगा। तो जिन विधायकों ने ये वादा कर रखा है अपने चुनाव के समय में कि हम जिला बना कर देंगे, सर उन वादों पता नहीं, तो आप जानकारी दे रहे हैं कि विधायकों ने या उस वक्त के उम्मीदवार जो थे उन्होंने इस किस्म की बातें कही हैं? हमारे ध्यान में तो ऐसी कोई बात अभी तक आई नहीं।